गुड मॉर्निंग डियर क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड वी आर लर्निंग लेसन 6। बच्चों, हम लोग अभी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और लेसन 6 का आप लोगों ने कल रीडिंग लगाया था। अब इसको आप लोग देखिए, मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग क्वेश्चन आंसर में एक्सरसाइज में चलेंगे। देखिए, आई हैव नूडल्स इन माई नोस्ट्रिल, आई हैव नूडल्स ऑन माई नोज, देयर आर नूडल्स ऑन माई चीक्स एंड चिन एंड ड्रिपिंग डाउन माई क्लोथ्स। क्या कह रहा है? देखिए, ये कहानी जो है मेनली ये नूडल, आई हैव नूडल इन माई नोस्ट्रिल, इसमें ये बताया गया है कि नूडल खाने से जो है क्या प्रॉब्लम हो जाती है, नूडल्स ज़्यादा नूडल को चाहने का नतीजा इसके साथ क्या आया है कि आई हैव नूडल्स इन माई नोस्ट्रिल, नूडल खाते खाते जो है इसके जो नाक के ऊपर जो है नोस्ट्रिल जिसको कहते हैं, नथुना कहते हैं, उसके अंदर उस पर नूडल आ गया है। आई हैव नूडल्स ऑन माई नोज, और इसके नाक पर भी नूडल है। देयर आर नूडल ऑन माई चीक्स एंड चिन, उसके गाल और ठुड्डियाँ जो होती हैं, दाढ़ी का हिस्सा होता है, उस पर भी नूडल है। एंड ड्रिपिंग डाउन माई क्लॉथ्स, और कुछ जो है उसके कपड़े में समा रहा है, कपड़े के अंदर जा रहा है। आई हैव गॉट मोर अपॉन माई फोरहेड, और मेरे सर के ऊपर भी बहुत सारे हैं। सम आर स्टिकिंग टू माई नेक, और कुछ जो है मेरे गर्दन के ऊपर हैं। इट्स कम्प्लीटली डिसकंसर्टिंग, ये सारे जो सब जो है पूरी तरह से हमें डिसकंसर्टिंग करता है, मतलब अपसेट करता है, डिस्टर्ब कर रहा है। आई एम ए नूडल कवर्ड रैक, इस तरह से मैं जो हूँ पूरी तरह से नूडल से ढक चुका हूँ। हमारा फिजिक जो है वो अजीब तरह से बन गया नूडल की वजह से। आई कैन सी देम ऑन माई नी कैप्स, इसे जो है हम अपने नी घुटने का जो पिछला हिस्सा होता है, अगला हिस्सा होता है, उस पर हम देख सकते हैं, इसको नी कैप पर दे सकते हैं। एंड आई नो दे आर इन माई शूज, और मुझे पता है कि ये मेरे जूते में भी है। वेन आई स्टैंड देयर आर सम वाट स्क्वीसी, जब मैं खड़ा होता हूँ तो कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा लगता है। एंड आई फील देम स्टार्ट टू ओज, और मुझे महसूस होता है कि वो बाहर आना शुरू हो जाता है। देयर आर सेवरल इन माई पॉकेट्स, बहुत सारे मेरे पॉकेट में भी हैं। देयर इज़ ए हैंडफुल इन माई हेयर, और कुछ जो है मेरे बालों के अंदर भी हैं। एंड आई एम प्रेटी श्योर देयर सम आर इवन इन माई अंडरवियर, और मुझे पूरी तरह से यकीन है कि कुछ जो है मेरे अंडरवियर में भी है। सो ट्राई नॉट टू डू व्हाट आई डिड, इसलिए ऐसी कोशिश मत करो जो मैंने किया, मतलब खूब खाओ खाए जाओ। आई एम ए टोटल नीनकॉम्पूप, मैं जो पूरी तरह से बेकार, बिल्कुल सुस्त बन गया हूँ। मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ था कि मैं ऐसा किया। एंड आई फेल एस्लीप एट लंच, और लंच के वक्त मुझे नींद महसूस हो रही है। वाइल ईटिंग चिकन नूडल सूप, जब मैं चिकन नूडल सूप खा रहा था, तो जब चिकन का नूडल सूप ये खा रहा था बच्चा, तो उसे नींद आ रही थी दोपहर में, और ये इतना खाया कि देखिए उसके नाक सर ये सब पे चला गया। तो इसमें ये आपको लेसन देने की कोशिश की गई है कि किसी चीज़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को उतना ही खाना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो। That may be hygiene for our health, जो हमारे हेल्थ के लिए बेहतर हो।
हमें इतना नहीं खाना चाहिए कि वो हमें नुकसान दे दे, जैसे इस बच्चे को नुकसान दिया कि इसके नाक के अंदर, गाल के ऊपर, चिन के ऊपर, कपड़े के अंदर, सर में, माथे पर, गर्दन में, सब हर तरफ नूडल ही नूडल आ गया। ठीक है, तो ये आपका लेसन था, आई हैव नूडल्स इन माई नॉस्ट्रिल। इसको मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये कहानी। इस कहानी में आपको किसी चीज़ का एक्सीड करने से मना किया गया है, और नूडल, ज़्यादा नूडल खाने से भी मना किया गया है। वैसे भी कहा जाता है कि ये सारे जंक फूड हैं, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर मी। तो उम्मीद है कि आप इसे लेसन लीजिएगा। मैं क्लास स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।